अगर तुम्हें भी मेरे जैसा मिठाई खाना बेहद पसंद है तभी इस वाले व्लॉग को देखना, क्योंकि मैंने जो भी मिठाई खाया सब शुद्ध, बिना मिलावट और ऑथेंटिक था। तो वॉच एट योर ओन रिस्क, एंजॉय। ऑल राइट, सो आज अपना जो दूसरा घर है ना वहाँ पे है, और दूसरा घर का जो मालिक है और जो सदस्य है ना वो ये है अपना T2 पल्सर 2020। हाँ, इसका हो रहा है। तो बात ऐसा था कि निशिकेत हमको बोला कि भाई तुम्हारा तो कांके रोड का मिठाई का तो हम देखे, अच्छा लगा, 70-80 वैरायटी है। मेरे लिए थोड़ा सा था, बट ये बोले कि चल आज तुमको सिंह मोड़ का वैरायटी दिखाते हैं मिठाई का। तो भाई उतना तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी 1 बज रहा है ना, उतना खाओगे तो यही रह जाओगे तो। लेकिन आज है कि थोड़ा सा देख के आते हैं, और वो सिंह मोड़ में दुकान का नाम है शगुन। शगुन है, आदिति है, अच्छा तपन है, तो ये तीन दुकान है। लेकिन शुरुआत जो ये जो यहाँ ट्रेंड जो मिठाई का वैरायटी ऑफ मिठाई का जो ट्रेंड है वो शगुन शुरू किया। अच्छा, तो शगुन शुरू किया है क्योंकि निशिकेत जैसा बोला था वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्वीट्स है, मतलब लड्डू का रसगुल्ला ही तो 7 तरीके का है। 7 तरीका का रसगुल्ला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिस समय स्टार्ट किया था 7 तरीके का रसगुल्ला था, 50 तरह का लड्डू था, पेठा ही तो 15-20 तरह का पेठा है सिर्फ। बस 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 बस, सबका मुंह पेट सब अभी लबलबाने लगे, उससे बेटर है अब चलते वहाँ, वहाँ देखते क्या है और कुछ कुछ ट्राई करते हैं। और जो कांके रोड का मिठाई का था वहाँ पे, यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, डू चेक इट आउट, अच्छा था, माँ तारा का, दैट्स गुड। चलो अब सिंह मोड़ पे होके आते हैं। तो बस अब पहुँच गया, ये रहा पीछे शगुन और इधर हो गया सिंह मोड़। तो निशिकेत चैलेंज किया तो चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ, क्या मिठाई सब है, लेट्स सी। फुचका सब मिलता है। अच्छा, फुचका उचका सब है ना। ओ, चाट वाट सब है, सही है। ओके, सब केवल काजू का बर्फी इतना। ओ, वैरायटी है यहाँ पे बहुत सारा, वैरायटी तो बहुत कम हो गया। अच्छा, अभी वैरायटी थोड़ा कम हो गया, बट पेठा, पेठा है। अच्छा, मेरे को ये वाला ज्यादा पसंद है, परवल। हाँ, परवल वाला मेरे को पसंद आता है। अच्छा, पान वाला है, चंद्रकला, चंद्रकला पेठा, केसर का अंगूर, अंगूरी पेठा, पेठा का सब वैरायटी मिलता है, रिमझिम पेठा, मतलब हमको लगता है दुकानदार से ज्यादा निशिकेत को पता है। अरे वहां करके आप बेटा नोटिस करते। अच्छा भैया, हमको आपको जो फेमस, जो सबसे ज्यादा क्या बोले, टेस्टी और मस्त लगेगा, वो मेरे को टेस्ट करवाइए, खिलाइए मेरे को। और क्या है नाम उसका, थोड़ा सा बताइए। अगर मतलब इसको अगर चीनी का प्रॉब्लम है, शुगर, तो उसके लिए ये मिठाई बहुत बढ़िया है, हम खाते थे, पलाई डोसा, शुगर फ्री, नहीं शुगर फ्री, शुगर रहता है बहुत कम मात्रा मिठाई का। अच्छा, ये वाला मलाई बहुत कम मीठा रहता है, टेस्ट उतना ही। चलो तो बोले हैं कि मिठाई का कुछ खिलाने जो दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये है। अच्छा, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ये कौन सा भैया? तो गुड़ का चमचम, देखिए गुड़ का चमचम। अच्छा, इसका दाम कितना पड़ता है? 50 रुपये। इसका 50 रुपये, और एक चम्मच दीजिएगा ना हम लोग को। ये देखा मिर्ची रसगुल्ला। अच्छा, मिर्ची का रसगुल्ला, रोज रसगुल्ला, पाइन एप्पल। ओह, चलो थोड़ा टेस्ट किया जाए। अब तुम हमको लालच दे रहे हो। चलो वहां पे बैठा जाए, नहीं दिखा ले, इससे भी बता देंगे तुमको उधर का जितना है ना। ओके, ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये तुम्हारा मैंगो कप है, ये तुम्हारा मिट्टी का। अच्छा, मैंगो कप वाला। अच्छा, छेना पायस हो गया। हाँ ठीक है, वो तो ये आज टेस्ट किया जाए। चलो यहाँ पे कुछ कुछ टेस्ट करते। अच्छा, आज तो ये ट्राई करेंगे, रसगुल्ला ट्राई करेंगे, मिर्चा वाला, और क्या है, रोज वाला, रोज वाला। हाँ, तो इसको ट्राई करते हैं। हाँ, ये तो क्रस्ट है। और यहाँ पे हलवा भी है, मूंग दाल, मिनी गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, बड़ा गुलाब जामुन, और सब गरम है।
रबड़ी के साथ मिलता है वो खीर मोहन, खीर मोहन। अच्छा खीर मोहन जो हम खाए थे कौन सा खीर मोहन, ये वाला? अच्छा फेमस है रबड़ी के साथ। अच्छा समझो, तो खीर मोहन जो ये जो होता है ना जहाँ पे खाए थे वो छोटा छोटा बनता है। खीर मोहन कहाँ फेमस है? वो जगह का नाम क्या है खीर मोहन जहाँ पे बनता है ना, ये झारखंड बिहार का बॉर्डर, खीर मोहन इज अमेजिंग, वो अपना झारखंड बिहार का बॉर्डर मिलता है वो छोटा छोटा, तो उसका भी मजा आएगा। निशी खा तू पहले, हम ज्यादा नहीं ना खाएंगे। ठीक है खाना, निशी के टेस्ट करेगा थोड़ा ऐसा है। अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट है ये खीर मोहन ना, ये रहा खीर मोहन। खीर मोहन यहाँ पे साइज में बड़ा में है, और खीर मोहन ये साइज में बड़ा में है, और यूजुअली जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इसको जनरली रबड़ी के साथ। अच्छा रबड़ी के साथ, रबड़ी लेके ये बहुत जोर मीठा रहता है। अच्छा थोड़ा रबड़ी ले रहे हैं, रबड़ी ट्राई किया जाए। रुको ना, रबड़ी भी हमने यार रबड़ी खाते हैं, दो दो रबड़ी लेते हैं आराम से लेके बैठ जाते हैं। हाँ रबड़ी लेने का कारण इसका दिख रहा है ना। चाउमीन खाएगा, भूख लगा हुआ है ये, लेकिन बहुत मजेदार है। इसको पकड़ो, रसगुल्ला ट्राई करो, मिर्चा रसगुल्ला। गॉड अमेजिंग, चार तरह का रसगुल्ला, चार तरह का रसगुल्ला। ये हो गया मिर्चा वाला, और ये वाला ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, और ये रोज। मतलब अच्छा, तो सर है यहाँ के ओनर है, तो सर ने बताया कि यहाँ पे जो भी है जितने भी मिठाइयाँ सब नेचुरल थे, जो है कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा दोस्त यही बोला कि भाई यहाँ पे आओ, एक नंबर बनता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप आ जाइए दूध में, ठीक है, मिल्क दूध। तो हमारा जो दूध होता है वो खांटी गाय का और खांटी भैंस का होता है, ठीक है। और दूध का हमारे फैक्ट्री में आने के बाद जांच होता है, जांच होने के बाद तब अपने बर्तन में रखाता है, तब से ये हुआ दूध की बात। ठीक है अब आ जाइए खोवा की बात, जो जहरीला होता है मार्केट में, जो जहरीला खोवा मिलता है, ठीक है। तो खोवा की बात आ जाइए, तो खोवा हम अपने दूध से खोवा मारते हैं, ठीक बनाते हैं, बनाने के बाद तब उसको यूज करते हैं, सही है। उसी का सारा मिठाई होता है। पनीर की बात में आ जाइए, तो पनीर जो है हमारा अपना 100% पनीर होता है। उसके बाद आपको जितना भी बेसन है आटा है वो हम लोग अपना पीसते हैं, सही है। मसाला जितने प्रकार का होता है वो अपना पीसते हैं। कारण क्या है कि मसाला बेसन आटा इसमें बिना मिक्स का पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। बहुत सही बात। हाँ कोई किसी कंपनी का हो तो, हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि फूड डिपार्टमेंट से दो दो बार लोग आए हैं, पूरे मिठाइयों का जांच किए हैं, जांच करने के बाद तब हमको लाइसेंस दिए। वाह तो भाई, अगर रेट भी हमारा जो है वो नॉमिनल रेट है। हाँ, वो जितना भी फ्लेवर देख रहे हैं, कोई भी फ्लेवर जो हमारा है वो सब नेचुरल है। हम फल से फूल से और हरी मिर्च से मिठाइयाँ बनाते हैं, और भी कई प्रकार का मिठाई है हमारे यहाँ। ऑर्डर देने से जितने प्रकार का जिस भी माने बिहार का, बंगाल का, पंजाब का, आपको मारवाड़ियों का मिठाई जो बनता है, तो सारा मिठाई बनाने के लिए हम लोग तैयार अवेलेबल। तो अगर रांची से हो और अगर सिंगमोड़ तरफ आते हो तो शगुन में एक बार ज़रूर आना। और मेरा दोस्त ये बता दीजिए, अभी फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था यहाँ पे, वैरायटी का भरमार था। नहीं ये जो आप वैरायटीज़ देख रहे हैं, ये वैरायटीज़ कुछ नहीं है। ये जो वैरायटीज आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। फल का सीजन आने से फल से बना हुआ एक से एक मिठाई मिलेगा। अभी एक मारवाड़ी का ऑर्डर आया था, तो वो उनको हमने सैंपल दिया है, तो उसे डाब का मिठाई, खरबूजे का मिठाई, तरबूज का मिठाई, आपको फल जितने प्रकार का होता है हर फल से मिठाई हम लोग बनाते हैं।
और ये चीज हम बोलेंगे रांची में और ज्यादा मिठाई दुकान में हम ये ना सुने हैं ना ही देखे हैं। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो हमको ये दिखा और खाने को भी मिल रहा है। आप अगर बैठेंगे तो मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। जरूर जरूर। तो पहले अभी टेस्ट करते हैं मिठाई सबको, रसगुल्ला, उसके बाद फिर आप बैठिए, हम वहाँ पर टेस्ट करो। ऑलराइट, सो क्या खाए पहले बताओ, मिर्चा खाए या क्या? नहीं, पहले तुम रोज ट्राई कर। ओके, सो लेट्स ट्राई रोज। मेरे प्रॉब्लम है, पहले ही खा लेते हैं ना। जेन्युइन लगा तुम्हें, कोई भी आर्टिफिशियल टाइप का? हाँ, नहीं ओवर कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल यूज नहीं होता इसीलिए। रोज वाला मजा आ गया। अब क्या, अब बोल सकते? अब ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज ना। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज ऑरेंज। थोड़ा पागल है इसलिए कंप्लीट खा ले रहे हैं। ये सब पेठा का पान है। पेठा का पान है ना, गुड़ रसमलाई। रसमलाई? रसमलाई। अच्छा, गुड़ का रसमलाई, ठीक है। गुड़ का रसमलाई नहीं मिलते आपको कहूँ। ये मतलब शुगर वाला पेशेंट लोग ये सब आराम से। अच्छा, शुगर वाला ये सब चीज अपना ये खाई सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत मस्त लगा। हाँ सही, आर्टिफिशियल यूज नहीं होता इसलिए तुमको स्वाद में हल्का सा मतलब अंतर पता चलेगा। ज्यादा तेज मीठा नहीं फील होता है। हाँ, मीठा हमारे पूरे रांची जिला में जितने भी दुकान हैं वो जितना मीठा देते हैं किसी भी मिठाई में उससे हमारा मीठापन बहुत कम रहता है। सही है, वो चीज़ सही। दूसरी बात है खजूर गुड़ जो होता है, खजूर का गुड़, वो ओरिजिनल जो खजूर का गुड़ होता है वो हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर से मंगाते हैं। हमारा मैक्सिमम मटेरियल बाहर से आता है। ये इससे तुमको पता चल जाएगा ओरिजिनल का जो टेस्ट होता है। क्योंकि जैसे बंगाली हैं हम तो खजूर का गुड़ जो होता है जैसे हम बंगाली हम हैं और बंगाली है। हाँ, कोता भाई कोता। तो पाइनएप्पल वाला रसगुल्ला ट्राई किया जाए? क्या किंतु एसेंस नो है बुझलम ओरिजिनल पाइनएप्पल दिए तोरी को। ओके, नेचुरल नेचुरल। तो एक चीज जो यूजुअली होता है कि एसेंस और ये होता है कि नॉन नेचुरल यूज होता है, ये नहीं है, बट ये नेचुरल है। एसेंस डाला रहता है इसलिए ये भी है। फ्रूट है वो। फ्रूट हम खाना। ब्रेक लग गया ना इसलिए अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लगा तो वो एक खाता ना तो समझ में नहीं आता टेस्ट, वो पता नहीं होता। टाब में बना हुआ मिठाई कभी देखे हो? नहीं, लेकिन फोन में देख लो ये वाला है। वाह, तो सर इसके अंदर क्या है ये? इसके अंदर पूरा रबड़ी का माल, फल, फ्रूट दे के रबड़ी। अच्छा। और नारियल। अच्छा, वो जो कच्चा नारियल होता है वो दे करके चम्मच से निकालिए खाइए। यहाँ पे अगर रहता ये तो जरूर ट्राई करते, लेकिन अब ये यहाँ का लोग को बताने वाला ये दुकान है कि इतना तरह का मिठाई भी होता है। सही बात है, ये रांची में कुछ नहीं है। अंकल जो शुरुआत में खुला था उस समय जो आप रेंज रखे थे उस समय हम वही चीज को बताए जो रेंज था ना, ये खरबूजे का। अच्छा, खरबूजे का मिलता है ना? हाँ, बात वही है। फल नहीं मिलता, फल कोलकाता से, ये सब ये बॉर्नविटा। ओके, ये तो कीवी और ये देखे ये आइसक्रीम से बना हुआ है। अच्छा, ये सर देखिए, अरे दूध के ऊपर में जो मलाई जमता है ना उसको लपेट करके बनाया हुआ है। सब अलग अलग टेस्ट होगा। मतलब 100 बात की एक बात कि सर के पास इतने वैरायटीज है कि भाई मतलब आगे अगर सर से मिल लोगे और उसको स्पेशल चाहिए तो वो बोल सकते हैं। रुको, अब मेन बात है मिर्चा वाला ट्राई करते हैं, रसगुल्ला है ना। सो ये रहा, मिर्चा में क्या है कि कभी कम तीखा मिर्चा है तो कम तीखा लगा, ज्यादा तीखा कभी चाह गया तो ज्यादा तीखा लगा। अभी थोड़ा सा तीखा लग रहा है लेकिन होता नहीं, मिर्चा का पूरा फ्लेवर है। हाँ, स्वाद थोड़ा सा तीखा रहेगा, जैसे मिर्चा जैसा आया उस हिसाब से रहेगा।
क्या है ना, कुछ मिठाई में देखो कितना सारा टेबल सज चुका है थैंक्स टू सर, और वो रेकमेंड कर रहे हैं तो खा जाओ। दुकान सबसे बड़ी बात एक बात बता रहा हूँ, ये बिजनेस तो मैं भी कर रहा हूँ लेकिन बिजनेस से ज़्यादा जरूरी हमारा शौक है। सही बात, ठीक हमारा शौक कि कोई भी लोग खाएं तो कहें बहुत अच्छा। देखिए हम लोग बहुत बड़े दुकानदार नहीं है, देखिए रसगुल्ला है ना। हाँ ठीक है, रसगुल्ला है। हाँ वाह, कहीं फटा नहीं? फटा नहीं है, मैंने पूरा जोर से चीपा। हाँ, 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 हाँ। आपको भी चीप के दिखाऊं जितना ताकत है। हाँ हाँ, फिर से वापस आ गया, कहीं नहीं फटा है। फटा नहीं? फटा है। ये रसगुल्ला खाने में टेस्ट नहीं हो, ये आपके सामने मैंने बना के हाँ, नहीं ये रसगुल्ला जब खाएंगे आप तब आपको समझ में आएगा रसगुल्ला प्योरिटी के लिए। अब ये था एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट कि भाई प्योरिटी क्या होता है, बिकॉज ये फटा नहीं है यार। यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे आना बनता है। अब इतना बाकी है, ये पान वाला लास्ट में खाना है। इसमें रसमलाई है और गुड़ का बना, गुड़ का मेन। हम लोग जो बंगाल में बोलते हैं ना खेजूर गुड़, जो ठंडा में आता है उसी का बना हुआ है। ये जनरली मिलता नहीं? अच्छा, ये जनरली मिलता भी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड, मेन वो जो प्योर दूध का जो वो मेन प्योर जो चीज़ होता है ना, वो टेस्ट का पता जो चलता है वो चीज़ है। इसको जेन्युइन बोलते हैं ना, जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन। अब ये हाफ है निशिकेत, निशिक हाँ। और यहाँ पे सर लोग का जो भी रहता है बेसन से ही सब कुछ जो भी बनता है वो सर लोग खुद अपने फैक्ट्री में पीसते हैं। सो उसी से सेव हो जो भी हो सब चीज़ सेव ट्राई करते हैं। बाजार का खोआ में नहीं निकले, बाजार का खोआ नहीं है। ये फ्रूट है, ये मिठाई जो है ये आगरा का फेमस है, इंडिया में आगरा में ही और कहीं नहीं बनता। तो पेठा जो है ना ये आगरा में फेमस, वो तो पता ही होगा। ये और आगरा में भी मिलेगा तो ये जो अच्छा दुकान होगा उसमें सब में नहीं मिलेगा। सो लेट्स ट्राई, और वो रांची में मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। लेट्स ट्राई दिस, मतलब बाहर का थोड़ा क्रंची लगता है, अंदर पूरा सॉफ्ट गुई टाइप का है और एक अलग फ्लेवर। वो किस चीज़ का फ्लेवर है सर? अच्छा, थोड़ा सा गुलाब वाला भी फील आ रहा है, तो गुलाब का है ये चीज़ है। मेरे लिए लाइफ का ये फर्स्ट है। तो यहाँ रांची झारखंड में, और ये रांची में हमको नहीं लगता कहीं पे ये मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे। सो सेव खाइए, सेव थोड़ा सेव, सेव ऑयल का जनावर में खाना हुआ, नकली खाना हुआ, नकली बेसन खाते तो बुझा रहेगा। हाँ, यूजुअली हम लोग ये चीज़ देखते हैं कहीं पे भी, मान लो अगर खटाल साइड भी जाते हैं रातू रोड का, तो वही तेल में सब चीज़ वो छनते रहता है। सो उसका कलर भी अलग होता है, बट इसका कलर लाइट है। सर एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं गुलाब जामुन का, लेट्स सी। ये गुलाब जामुन जो है ठीक है, आपको एक दो दुकान छोड़कर, जैसे गंगोर हो गया, स्वीट इंडिया हो गया, उसको हाँ, छोड़कर हाँ, बाकी जितने भी दुकान है उसमें ये गुलाब जामुन जो है इस तरह का सॉफ्ट नहीं रहेगा, और आपको भीतर में जो माने भीतर में गोटी गोटी रहेगा, कड़ा कड़ा रहता है। वो मैदे से बनता है। ओके, हमारे यहाँ प्योर खोवा छेना से बनता है। रेट वही है, ठीक है, जो रेट वो ले रहे हैं आम दुकान वाले ले रहे हैं वही रेट हम ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। श्योर सर, ये ओरिजिनल ओके भी कह रहा था तो और ही अच्छा हो, ठीक है। इसको ये आलू का चिप्स है, आलू का चिप्स भी बनता है। आलू हम लोग नागपुर से मंगाते हैं, शुगर फ्री आलू, शुगर फ्री आलू। हाँ, ये आलू का दाम, इधर का आलू का दाम अगर 20 रुपया है तो इसका दाम 50 रुपया। लेस जो कंपनी आलू जिस आलू से बनाता वही आलू का ये चिप्स। ओए, ये एक बार ट्राई करना बनता है। चिप्स का भी एक अलग यूएसपी है और ज़्यादा हेल्दी।
हम सोच रहे थे दो तीन आइटम ट्राई करेंगे और सब ये करेंगे, यहाँ पे सर पता नहीं। अच्छा चलो पहले इसको ट्राई करते हैं। आप खा ज्यादा नहीं खा, हाँ तुम खा रहे हो, मैंने उसको मतलब एकदम जो माउथ में घुलने वाला चीज होता है ना एकदम घुल जा रहा है। सॉफ्ट का छोड़ो ना, हम बोले जो घुलना होता है ना, मेल्ट होना, वो चीज है। ये जो बाजार में आप घटिया माल खरीदते हैं वही दाम इसका भी है, ये बात समझिए। बताओ तब अपने रांची में हम लोग क्या खा रहे हैं, यू बी द जज। चलो नमकीन खा ले थोड़ा, पिस्ता उस्ता सब है इसमें। मतलब नो कॉमेंट्स, बस इतना समझो कि अगर तुमको एक्सपीरियंस करना तो आओ, आना पड़ेगा, दैट्स अ फैक्ट, आना पड़ेगा। अच्छा तो अब है 10 रुपये का काला जामुन, सॉरी काला जामुन 10 रुपये का काला जामुन, ठीक है। प्योर प्योरिटी का, और सर जैसा चैलेंज कर रहा ना, हमको नहीं लगता रांची में और कोई ऐसा दुकान चैलेंज कर पाएगा, रेयर शायद हो, नहीं तो नहीं। गुड़ बेक चमचम, ये है गुड़ बेक्ड चमचम, ठीक है। हाफ है बता दे, ये हाफ है, ये हाफ है बस, है ना, क्योंकि अपना उतना जाएगा नहीं। इसका भी हाफ हम खाएंगे, हाफ मिशी सबसे बड़ा चीज है ना टेक्सचर, वो अगर ओरिजिनल रहेगा ना उसका टेक्सचर से ही पता चलता है, और मुंह में जाने से वो जो मेल्ट होता है ना वो सबसे बड़ा चीज होता है। चीयर्स। प्योर दूध को जब पकाते हैं ना, पका के जो पूरा टेस्ट आता है, घर में भी जब ये करते हैं पूरा वैसा बोलेगा, तुम यहाँ पे आके बैठा दो या बैठ जाओ और खाओ। मूड फ्रेश हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कुछ हम खाएंगे, जब खा पाएंगे या रांची में कभी मिलेगा, टू बी वेरी ट्रू, लेकिन 15 दिन तक ये खराब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। ये 15 दिन का बारे बोल रहे सर, ये पान वाला जो मिठाई है ना इसका, और एक्सपोर्ट होता है ये, और बताओ। चलो तो सर ने जैसा बताया, ये पान का जो है ये ऊपर में पेठा का लेयर है, अंदर में सर क्या क्या है, गुलकंद है, ड्राई फ्रूट है, और सर बोले कि इसको साइड में रखने का और हल्का हल्का उसका फ्लेवर लगा, हल्का हल्का तोड़ के उसको खाने का। सो दिख रहे हैं प्योर मीठा बन, मुझे ठंडक आता नहीं कि वो चीज़ एकदम वही चीज़। और राइट यहाँ पे बस नज़ारे देखो, इतना आटा है, इतना खाएं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो सर से आखिरी पूछते हैं कितना पेमेंट करना करते हैं, उसके बाद चला जाए। चमक रहा है ना, हाँ घी चमक रहा है, केसर वाला है ये, घी है, हाँ घी है ये, आपको बाजार का हवा में नहीं निकले, वो तो पहले माल निकाल लेता है, वो तो सूखा रहा, गोंद का ना, हाँ ये गोंद का लड्डू, गोंद का लड्डू ले जाए, 6 महीना डब्बे में रख दें, फिर निकालेंगे तो ये लड्डू का जो आपको टेस्ट रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगा, वो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद भी एक ही जैसा रहेगा। अच्छा सर, मैंने बिहार में जब गया वो लाई का मिठाई होता है, लाई का यही है ना, हाँ
ये लाई का मिठाई है, लगता है ये आपको सोन पापड़ी, सोन पापड़ी। अब यहाँ पे सब है, इधर बिहारी का मिठाई है। अब बिहार का देख लो मिठाई कहाँ पे है, चंद्रकला है, ये चंद्रकला है, ये गुजिया है, हाँ गुजिया हो गया, ये बिहार का एक नंबर, आप तो खाएंगे नहीं सीधे, नहीं सर। ये लौंग लता है, लौंग लता, हाँ। ये बालू शाही है, बालू शाही, ये गाजा है, गाजा है, ठीक। ये खाजा है, आप दूसरे कहीं भी जगह में जाएंगे तो आपको खाजा में पूरा चीनी भरा हुआ मिलेगा, पूरा चीनी भरा हुआ, हमारे यहाँ वो सब मिलेगा। हाँ वो तो दिख के ही हो रहा है, कुछ नहीं है। और सर मैंने पूरी में भी खाया, बहुत हार्ड, अपना रेलवे स्टेशन के यहाँ वो भी बेकार है, पूरी में कोई काम का नहीं, नहीं नाम बिक रहा है, बस बात बस हुई। तो आप शाम को आइए, दूसरा आइटम मैं टेस्ट कराऊं। अच्छा एक सबसे जो है गुड़ का कलाकंद, गुड़ का कलाकंद ये वाला, ये गुड़ का कलाकंद एकदम सॉफ्ट होता है, अभी सूख गया, हाँ जब खाएंगे तो आपके मुंह में एकदम फिर से वो घुल जाए। हाँ अच्छा सर के पास बस तीन चीज बाहर का मिलता है, एक कोल्ड ड्रिंक, हाँ। और एक चॉकलेट और एक और आइसक्रीम, बस ये तीन चीज नहीं तो बाकी सब चीज इन हाउस है। इवन ये जितना केक्स है ना यहाँ से इतना चीज ये, और इनका क्रीम में जो है कोई तेल नहीं होता। अच्छा आइए सर, अभी और नहीं, और नहीं ये हम लोग का बनाया हुआ अपना कुल्फी है। अच्छा खुद का बना हुआ, ये दूध और क्रीम से बनता है सर, पागल कर। ये कुल्फी आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा कावेरी में, जो खाएंगे तो एकदम बोकस लगेगा, और गांव में 125 रुपये देता है, हम 70 रुपये में बेचते हैं, उससे बहुत टॉप क्वालिटी का। अच्छा आपको आइए मैं खिलाऊंगा। और ये जो पान है ना, पान अपने पूरे इंडिया में दो जगह मिलता है, एक आगरा जो कि सैनिया निशिकेत बोला बोगस है, और एक रांची में। ये बढ़ाने का कुछ नहीं है लेकिन, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। ओके तो ये रहा कार्ड, फोन नंबर एंड एवरीथिंग नीचे रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सर लोग का केटरिंग का भी है, तो अगर आते हो ज़रूरत है जैसा रहेगा सर से बात करना, हो जाएगा। सर आपका नाम सबसे पहले? नाम हमारा गोपाल प्रसाद बर्नवाल, गोपाल प्रसाद बर्नवाल। तो थैंक्स टू गोपाल सर, इतने अच्छे से हमें सब चीज़ बताया, और बेस्ट चीज़ क्या है ना, चैलेंज किया। सो मेरा कहना बस यही रहेगा कि अगर जेन्युइन और एकदम ऑथेंटिक चीज़ खाना तो शगुन स्वीट शॉप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आना पड़ेगा। हाँ आना पड़ेगा, बिना आए तो होगा नहीं। तो अपना मेन रोड एरिया में या रांची में जो है प्लीज कम डू विजिट, और सर से ज़रूर मिलना, इट्स वेरी अमेजिंग। तो चलो अब यहाँ पे फाइनल करते हैं, और करते फिर चला जाए।